मैं लेके आया हूँ एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का इतिहास जो अब तक किसी को नहीं मालूम। जो व्यक्ति एक इस्लामिक चिंतक थे, एक गणितज्ञ थे, धार्मिक एक्टिविस्ट थे, समाज सुधारक थे, एक चिंतक थे, एक क्रांतिकारी थे, एक दूरदृष्टा थे, अराजकतावादी थे और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कई गुना बड़ी सेना बनाई थी, जिसमें 1940 में 40 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। कौन थे ऐसे क्रांतिकारी, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज, कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन संतों गुरुओं महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ इनायतुल्ला खान मिस्र की साहब की। ये वो नाम जो इतिहास में गुमनामी के साथ में रह गया और सुभाष चंद्र बोस के समकालीन थे और उस समय इन्होंने इतनी बड़ी सेना बनाई थी कि एक मद्रास पोस्ट में लिखा है कि बोस ने जो फौज तैयार की थी उसमें 1945 तक उसमें 35,000 के करीब फौज रह गए थे। वहीं इस्लाह अखबार के आंकड़े के मुताबिक मिस्र की के खाकसार आंदोलन में 1946 में 50 लाख लोग बतौर सिपाही शामिल थे। इनायतुल्ला खान मिस्र की, जिनका नाम अलम्मा मिस्र की के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जन्म 25 अगस्त 1888 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ और वहाँ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद लाहौर से पढ़ाई लिखाई की, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इन्होंने 1907 में इंग्लैंड गए उच्च शिक्षा के लिए और वहाँ पर इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, जहाँ उन्होंने पढ़ाई शुरू की। कैम्ब्रिज में एक डिग्री होती है ट्राइपोज के नाम से, उसे जाना जाता है और इन्होंने 4 ट्राइपोज इन्होंने लिए थे, जो कि उस समय ये दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 4 ट्राइपोज की डिग्री ली हो। उसके बाद उन्होंने 1912 में गणित में जो थी डीफिल की डिग्री गणित में उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मिली थी और एक साथ में इसके गोल्ड मेडल भी मिला था उनके जो डॉक्टरल ग्रेजुएशन सेरेमनी के टाइम पे। तो इतने पढ़े लिखे गणितज्ञ थे, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप वापस भारत आ गए 1912 में और भारत में आकर के इन्होंने अलवर के दरबारी की पदवी को ठुकरा दिया। पहले शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां की, उनका रुतबा ये था कि 1920 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें राजदूत बनाने और 1921 में सर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने दोनों ही सम्मान ठुकरा दिए थे। सम्मान ठुकराने के बाद उन्होंने खाकसार आंदोलन शुरू किया। खाकसार आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था जिसके लिए उन्होंने 5 मई 1947 को पटना में एक भाषण दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था विभाजन को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, अब आखिरी उपाय यही है कि हम सब एक होकर खड़े हों, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होकर एक क्रांति करें, भले ही वो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हों। बेशक इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोग हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे, बच जाएंगे। अगर कुछ लोगों ने सत्ता की हवस के चलते दुनिया को सिर्फ
अन्याय और अत्याचार और लूट की बर्बरता दिखाने की ठानी है तो लाखों लोगों को बलिदान देकर दुनिया को सच्चाई, सम्मान और न्याय की लड़ाई दिखानी होगी। ऐसा कहा था अल्लामा मिश्रिकी ने पटना में। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे जिसके लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। सच्चे देशभक्त थे सभी। इन्होंने जो खाकसार आंदोलन जो शुरू किया था, खाकसार सेना बनाई थी, इसमें सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों को स्थान दिया था। और जो 1947 को जो भाषण दिया था उसमें 50,000 से ज्यादा लोग थे वहां, जिसमें देश के विभाजन की अंग्रेजी नीति का खुलेआम विरोध किया गया था। इसससे पहले मार्च में मिश्रिकी ने 3,00,000 खाकसार सैनिकों को दिल्ली में 30 जून 1947 को जुटाकर अंग्रेजी हुकूमत उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। जी हां, ये सुभाष चंद्र बोस के आसपास समय में हुए थे। और इन्होंने उनसे पहले बहुत बड़ी सेना अपने बूते पर बनाई थी अल्लामा मिश्रिकी ने। ये बहुत बड़े एक स्कॉलर से दार्शनिक थे, लेखक थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे। और इनायतुल्ला खान उर्फ अल्लामा मिश्रिकी ने 1930 के दौरान खाकसार आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें हर धर्म संप्रदाय जात बिरादरी के लोग थे। और आंदोलन देश के भीतर देश की अपनी एक आर्मी के तौर पर उठ चुका था, जिसमें अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। भारत के स्वतंत्रता साधन के इतिहास में इतनी बड़ी देशी सेना, देशी आर्मी मिश्रिकी के आह्वान पर भारत के लोगों की आजादी के लिए इतने बड़े सैनिक बन चुके थे। खाकसारों का एक वर्ग श्रीनगर से मैसूर और कलकत्ता से कराची तक यात्रा करते हुए मिश्रिकी के संदेश फैलाता था, तो दूसरा जो वर्ग था और फैलाता था, साथ में फंड इकट्ठा करता था। और जो दूसरी तरफ दूसरा वर्ग था, वो जांबाज खाकसारों ने बलिदान से न हिचकने की कसम उठा रखी थी, अपनी खाकी वर्दी में परेडों और हथियारों को चलाने की कला के कैंप के प्रदर्शन हुआ करते थे। और इन्होंने मिश्रिकी ने पहली एक पैरेलल सरकार बनाई थी, निर्वासित सरकार बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। मिश्रिकी कई बार अंग्रेजों के निशाने पर आ चुके थे और कानून को ताक पर रखकर उनके खिलाफ एक्शन लिए जा चुके थे। इसके बाद भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और 1939 में खाकसार जो आंदोलन के जो जांबाजों ने उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको उखाड़ फेंका था और देश की पहली समानांतर सरकार की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, खाकसार आंदोलन ने अपनी मुद्रा जारी करने का साहस किया था और इस कदम के लिए अंग्रेजों की जो थी चूल्हे हिला दी थी इन्होंने मिस्र की साहब की खाकसार आंदोलन ने। और इसके बाद फिर चूंकि अंग्रेजों के पास तो सब कुछ था, उन्होंने दमन का चक्र शुरू किया। तो लाहौर में 19 मार्च 1940 को खाकसार जवानों पर बर्बर नरसंहार किया गया और बहुत सारी हत्याएं की गई। कारावास और प्रतिबंध जैसे बहुत सारे कदम अंग्रेजों ने उठाए इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन मिश्रिकी के नेतृत्व में ये आंदोलन बढ़ता ही चला गया। नतीजन एक तरफ दमन कर रहे अंग्रेजों को तो दूसरी तरफ भारत को आजादी देने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी थी। बहुत बड़ा रोल था भारत की आजादी में मिश्रिकी साहब की खाकसार सेना का। अगर सुभाष चंद्र बोस की इससे तुलना करें तो नेताजी सुभाष चंद्र और एक ही समय में दोनों हुए थे करीब करीब, जिनमें कुछ समानताएं भी हैं। दोनों देश की आजादी के लिए बेहद आक्रामक तरीके से चुनकर फौजें तैयार की थीं और सीधे लड़ाई शुरू की थी। दोनों ने महात्मा गांधी
के तरीकों पर अविश्वास जताया था और आक्रात्मकता को तहजीब दी थी। मद्रास पोस्ट के एक लेख में दोनों नेताओं की तुलना करते हुए कहा गया कि इसी वजह से एक से ज्यादा बार गांधी ने इन नेताओं की गिरफ्तारी को एक तरह से जायज भी ठहराया था, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा इन क्रांतिकारियों के खिलाफ रहते थे। उनका मानना था कि अहिंसा से आज़ादी मिलेगी, और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि आज़ादी अगर इस देश को मिली तो गांधी के अहिंसावादी आंदोलन के कारण नहीं मिली। बहुत सारे जो क्रांतिकारी जिन्होंने क्रांति की, जिन्होंने अपनी जान दी, जिन्होंने फांसी पर झूले, उन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा हाथ था देश की आज़ादी में। बेशक गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा करने में काम किया था, लेकिन आज़ादी दिलाने के लिए इन बहुत सारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा रोल था। इसमें दोनों नेताओं के बीच कुछ अंतर भी थे। सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर जाकर इन्होंने सैन्य गतिविधियां की थी, रंगून में, जर्मनी में, इधर उधर जाकर के, और जो अंग्रेज हुकूमत थी उसको उखाड़ने का आह्वान किया था। लेकिन जो मशरकी साहब ने जो खाकसार सेना बनाई थी वो देश के अंदर ही थी, देश के अंदर मजदूर, किसान और तमाम वर्ग के लोगों को सिपाही बनाकर एक स्वदेशी आर्मी तैयार की थी, और देश के अंदर ही अंग्रेजों से खुले तौर पर लोहा लिया था। ये भी कहा गया कि 1945 के प्लेन क्रैश के बाद सुभाष चंद्र बोस की आर्मी INA की स्वतंत्रता संग्राम में लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन खाकसार आंदोलन उसके बाद भी 1947 तक देश की आज़ादी तक लगातार चलता रहा था। बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को मुक्त भारत की घोषणा कर अपनी अस्थाई निर्वासित सरकार की घोषणा की थी, और ये काम मशरकी साहब ने 1939 में ही कर चुके थे। तो ये जो फर्क था, क्योंकि लास्ट में 45 में सुभाष चंद्र बोस की सेना में केवल 35,000 के करीब फौज रह गई थी, जबकि मशरकी साहब की जो खाकसार सेना थी उसमें 1946 में 50 लाख लोग बतौर सिपाही मौजूद थे। लेकिन यहाँ ये सोचने का विषय है, ये चिंतन का विषय है कि इतना कुछ करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन मशरकी का नाम कहीं भी जिक्र नहीं आता। आखिर क्यों, क्या कारण है इसका? कोई किसी तरीके का प्रचार, और कहीं तो इनको काफिर भी कहा गया। अंग्रेज जो आंदोलन थे ब्रितानी हुकूमत ने, उन्होंने क्रूर और फासिस्ताना था तक इनको कहा था। महात्मा गांधी ने इनको हिंसात्मक वादी विचार का समर्थन नहीं किया था। एक वर्ग का मानना है कि आज़ादी की लड़ाई में मशरकी और खाकसार तहरीर के योगदान का पूरा स्थान नहीं दिया। तो ये बहुत सारे कारण रहे कि इनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, नहीं इनको किया गया। कारण कुछ भी हो सकते हैं। उस समय के इतिहासकार विडंबना रही, इन इतिहासकारों ने अन्याय किया, क्योंकि ये इतिहासकार पक्षपाती थे, जातिवादी थे। इन्होंने हमेशा, खास करके जो बहुजन समाज के लोग थे, जिसमें अनुसूचित जाति, शोषित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की हमेशा उपेक्षा की, चाहे किसी भी स्तर तक उन्होंने काम किया हो। तो इस तरीके से ये जो पक्षपात इतिहास का है, ये देश की विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना कुछ किया, अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ करके वो देश के लिए लड़ा, देश के लिए अपना जीवन लगाया, उसका नाम कहीं भी नहीं है। अंग्रेजों ने उन्हें राजदूत बनाने के ऊपर किया था, उनको सर की उपाधि देने के लिए पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया था। अलवर के दरबार की पदवी को उन्होंने ठुकरा दिया था, दरबारी की, केवल देश के लिए।
और 1924 में उन्होंने एक किताब लिखी तज़किरा, उसको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया था, इस कारण से ये रह गई थी, उसमें शामिल नहीं हो पाई। और इन्होंने अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से अपने संदेश फैलाते रहे और सरकारी नौकरी छोड़कर के खाकसार आंदोलन में इस तरीके से इन्होंने लगातार कई बार ये जेल भी गए और देश के लिए संघर्ष करते हुए, जब देश आज़ाद हुआ बंटवारे के टाइम पे 1947 में ये पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में ही जाकर के उन्होंने पाकिस्तान की नीतियों से कभी सहमत नहीं हुए, वहाँ भी आंदोलन करते रहे, वहाँ कई बार जेल गए और इस तरीके से जिंदगी भर समाज के लोगों के लिए, मानवता के लिए, देश प्रेम के लिए, चाहे वो पाकिस्तान रहा चाहे भारत रहा, उसके लिए संघर्ष करते रहे करते, और 27 अगस्त 1963 को वो खाकसार हो गए, खुद उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सब ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे क्रांतिकारी को नमन करें और याद करें उनको, जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है। मेरा SM न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ जो इन महापुरुषों के इतिहास को निकाल कर ला रहे हैं। मैं बहुजन इतिहासकारों का भी धन्यवाद देता हूँ और मैं गूगल सर्च और विकिपीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ कि सब के बारे में इन्होंने लिखा है, सबके इतिहास को इन्होंने जगह दी है जो भारतीय इतिहास में भूले बिसरे रह गए। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।